तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या पूछा गया है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर हुज एन टर्म इज गिवन बाय। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, फर्स्ट 24 टर्म्स का क्या निकालना है, सम निकालना है। और हमें यहाँ पे एन टर्म पहले से गिवन है, ए एन इक्वल टू 3 + 2n। तो इससे हम यहाँ पे इसकी एपी निकाल लेंगे सबसे पहले। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो जो हमें यहाँ पे एन टर्म गिवन है वो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, 3 + 2n गिवन है। तो जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट टर्म होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, 3 + 2 × 1। तो n की जगह हम यहाँ पे 1 पुट कर लेंगे, तो ये हमारे यहाँ पे कितना निकल गया, 3 + 2, तो यहाँ पे 5 निकल के आ गया। हम यहाँ पे सेकंड टर्म की बात कर लेते हैं, सेकंड टर्म हमारे यहाँ पे क्या होगा, 3 + 2 × 2, तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, 3 + 2 = 4, तो ये हमारे यहाँ पे कितना होगा, 4 + 3 = 7 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ उसके थर्ड टर्म की, थर्ड टर्म हमारे यहाँ पे क्या होगा, 3 + 2 × 3, तो ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ गया, 3 + 3 = 6, तो ये हमारे यहाँ पे 9 निकल के आ गया। तो इसका मतलब जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट टर्म होगा वो हमारा 5 होगा, उसके बाद जो हमारे यहाँ पे डिफरेंस होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, 7 - 5 = 2 आ जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे फर्स्ट टर्म और यहाँ पे इसका डिफरेंस पता चल गया। तो अब हम यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स का एपी निकाल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एन एपी का, SN = n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 ब्रैकेट में डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स था, यहाँ पे क्या होगा, S 24 हो जाएगा। n की जगह भी यहाँ पे क्या आएगा, 24/2 ब्रैकेट में 2 × a की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, 5 थी, प्लस n की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, 24 - 1, तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, 23। डिफरेंस हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं और इसको यहाँ पे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, 12 आ जाएगा। तो S 24 = यहाँ पे कितना निकल के आ गया, 12। और यहाँ पे क्या होगा, 5 × 2 = 10 प्लस 23 को 2 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारे यहाँ पे कितना निकल गया, 12। और ये हमारे यहाँ पे आ जाएगा 56। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 56 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। 6 × 12 = 2, 1 करी गया, 5 × 10 = 11, 1 से करेंगे तो यहाँ पे 56 ही आएगा। तो 2, 6, 1, 7, 5, 1, 6, तो जो हमारे यहाँ पे फाइनल आंसर निकल के आ गया वो हमारे यहाँ पे 672 निकल के आ गया। तो जो हमारे यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स होगा वो हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, 672 निकल के आ जाएगा। तो होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।